नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और खबरों को शेयर करना और लाइक करना। ब्रजवासी और रक्षक सेना के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा। फिरोजाबाद जन अर्धांगिनी फाउंडेशन द्वारा संचालित ब्रजवासी गौरक्षक सेना के संस्थापक महंत चंदन दास महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष संत धर्मदास महाराज और महंत महेशानंद गिरी महाराज ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। मामला गवारई नगला सिंधी के पास महेश्वरनाथ आश्रम का, जहां वन विभाग के द्वारा रास्ते को लेकर संत समाज ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। कुछ समय पहले गवारई नगला सिंधी के ऐसे मंदिर तक का रास्ता बनाया जा रहा था, इसमें 20 ट्रक गिट्टी डाल दी गई थी, लेकिन वन विभाग अधिकारियों ने रास्ते का काम बंद कर दिया, जिससे क्षेत्र के लोगों को बहुत परेशानी हो रही तथा मंदिर आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। महंत विजय नंदगिरी, बाबा पालकदास, बाबा प्रेमगिरी महाराज और राकेश कुमार आदि अन्य कार्यकर्ताओं ने पहुँच कर ज्ञापन दिया। जी, आपका परिचय? महेशानंद गिरी महाराज। क्या समस्या लेके आए डीएम साहब के पास? यहाँ डीएम साहब के पास हम समस्या लेके आए सड़क की, जो हमारी डलती हुई सड़क रुकवा दी है फॉरेस्ट वालों ने। अच्छा, ये मामला कब का है? ये अभी करीब 20 दिन से हो गए। 20 दिन से डीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? अभी उन्होंने आश्वासन यही दिया है कि करवाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं संत धर्मदास महाराज, ब्रजवासी गौर सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय संस्थापक भी आज हमारे साथ हैं। आज हमारे जो संत हैं, हमारे जो गुरु भाई हैं, उनकी एक समस्या थी, उस कारण हमें फिरोजाबाद आना पड़ा और फिरोजाबाद के जो डीएम हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो इनकी सड़क है रुकवाई, वन विभाग द्वारा रुकवाई गई है, उस पर दोबारा से कार्य बहुत जल्दी चालू हो जाएगा।